उसके बाद है आनंदम अम्बुधिवर्धनम। ये सिद्ध अवस्था का लक्षण है, बाहरी लक्षण है। मतलब आनंदम अम्बुधिवर्धनम, आनंद रूप की जो सागर है वो हिरोरे लेने लगता है। सागर यहां पर अगर हृदय को मान ले कि हृदय सागर है, किसका सागर है? आनंद का, क्योंकि हृदय ही है जो कृष्ण को धारण कर सकता है। उसमें उस आनंद के सागर में सागर का बढ़ना होता है। यदि सागर बढ़ता है उसका वर्धन होता है तो किनारे टूट जाते हैं। साधारणतः कभी सागर बढ़ता नहीं, लेकिन यहां पे अम्बुधि वर्धनम, मतलब धी सागर की बात हो रही, तो वो हृदय रूपी जो भावों का सागर है, किसका सागर? उसमें वर्धन होने लगता है, वो बढ़ता है। तो क्या होगा बढ़ने से? किनारे टूट जाएंगे। तो कौन से किनारे टूट जाते हैं और ये बढ़ता क्यों है? अब विद्या रूपी वधु का जब जीवन उससे मिलेगा, वर वधु जब दोनों मिलेंगे, तो मिलने से तो नेचुरली एक आनंद उल्लास बढ़ेगा। आत्मा जब भगवान से, प्रभु के नाम रूपी भगवान से जब पहले तो रिश्ता हुआ कि भाई दास है, सेविका है तू, फाइनल हो गया, विद्यावधु जीवन फाइनल हो गया, उसकी सेविका है, कौन सी सेविका है ये भी फाइनल हो गया, सेवक है, दास है, सखा है, क्या है, माता है, पिता है, या फिर राधा रानी की अनुगत की कोई किंकरी दासी है, क्या है? ये फाइनल होने के बाद में, पक्का होने के बाद, अब वो मिलन का समय आया। मिलन के समय में प्रथम मिलन जब होता है भगवान के नाम का, तो आत्मा से वो शरीर के अंदर भी दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? कहते हैं नयनम गलदश्रुधारया, वदनम, वदन किसे कहते हैं? वदनम मतलब वद शब्द, वद वाणी, वद वचन। नयनम गलदश्रुधारया, नयन बपु मतलब शरीर, उलकेर निश्चितम बपु, पढ़ो उसको, उठाओ श्लोक, देखो श्लोक, श्लोक देखो,
46 नंबर पेज, एक एक शब्द को समझिए। 46 कहते हैं नयनम, अब एक एक शब्द पे ध्यान। नयनम अश्रुधारया, गलर गलत द है ना, गलर बहना, गलना, गरल गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप पढ़िए गलत, गलर, क्योंकि इसमें से अ आगे चला गया। उधर देखिए गलत द, इसमें गला नहीं है, गलत मतलब गलर, ठीक है, गरल, गरल मतलब बहना, अश्रु आंखों से जो अश्रु निकलते वो बहने कैसे शुरू हुए, धारा की तरह। फिर क्या हुआ, वद, वद मतलब होता है वाद, वद बोल, वाणी, वदनम गदगद, गदगद मतलब होता है प्रेम, प्रेम से, गदगद मतलब ऐसा नहीं, गद गद ऐसा नहीं, वो गदगद नहीं, आनंद, आनंद वाला है, आनंद से गदगद हो जाना, ये वाला गदगद। रुद्धया, रुद्ध हो गया, अवरुद्ध, यहां है गिरा वाणी, गिरा का मतलब वाणी है। वदनम, वदनम वदन शब्द जो होता है ना वो इसको बोलते हैं, इस अर्थ को मत देखिए, वदन जो है मुख, वदन, वदन कमल, वाणी आएगी, वाणी दे रहा कब, मेरी वाणी का दर्द कंठ का वसूल, गिरा वाणी आ गई। यहां वदन मतलब मुख, ये गदगद होकर के जब अश्रु बह रहे हैं, वाणी जो है वो गद, वाणी रुद्ध हो गई है और वदन जो है गदगद हो रहा है। यहां आनंद तिरेक अवस्था प्राप्त होने से, जैसे मैं उदाहरण के लिए, मेरे को एक बच्चे की बात याद आ रही, एक छोटा सा बच्चा है, उसको हमारे यहां आती है बच्ची, जो छोटी सी, तो उसको जब मैं कभी ऐसा स्पर्श करता हूं तो ऐसे करते, ऐसे करती, मतलब उसको इतना दूर आना चाहिए, तो वो उसका चेहरा देखने वाला होता है, सारे का सारा जो चेहरा है हमारी, मुख्य रूप से पांचों इंद्रियां ज्ञान की जो है ना, थोड़ा ध्यान दें, ज्ञान की पांचों इंद्रियां यहीं पे हैं मुख्य रूप से, त्वचा सारे शरीर में, मगर मुख्य रूप से चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, ये ज्ञानमय इंद्रियां हैं जो ज्ञान लेती हैं, देख रही हैं, चक्षु, कर्ण सुन रहे हैं, नासिका उनका घ्राण ले रही है और जिह्वा रसपान कर रही है, ऐसी स्थिति में ये स्थिति, फिर नाम उच्चारण की बात आती, हरी हरी हरी, ये स्थिति होना, ये ऊपर का जो है पूरे का पूरा गिरा रुद्धा उच्चारण नहीं हो पा रहा है, वदनम गदगद, कंपायमान होना एक अलग चीज है, कांपना अलग चीज है, गदगद का मतलब होता है भर के निकल रहा है, भर के निकल रहा है, रुक नहीं पा रहा है, प्रेम जो है वो भर के निकल रहा है, आंखों से निकल रहा है,
जिब्भा जो है वो नहीं कर पा रही है, मतलब उसको समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। क्यों ऐसा? चिन्मय भगवान नाम, नित्य धाम का नाम, साक्षात भगवान का नाम, साक्षात भगवान के रूप में जब उसके सामने प्रस्तुत होता है, मिलन होता है पहली बार उस वधु को जो अपने वर से मिलन होता है, अर्थात नाम का नामी के रूप में, नामी के साथ जब उससे प्रथम मिलन होता है, तब ये अवस्था पड़ती है। ठीक है, कहते आगे क्या बोलते हैं, पुलकेर निचितम बपु, पूरा शरीर पुलकायमान हो जाता है। पुलकायमान का मतलब क्या होता है? पुलक, जैसे पूरे शरीर के जो रोंगटे हैं ना, रोंगटे खड़े नहीं हुए, लेकिन पुलकायमान का मतलब होता है, जैसे मेरे को एक अनुभव हुआ था, तो एक मैं मथुरा से, पूरी स्टोरी नहीं सुना, मथुरा से महावन पैदल जा रहा था, मेरे को पुलिस वालों ने रोका कि भैया आगे तुम मत जाओ, यहाँ जाओगे तो कुछ भी खतरा हो सकता है। मैंने कहा, मैं अंग्रेजी में थोड़ा सा बोला, थोड़ी सी, कि आई कैन टेक माई ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको लगा भी अंग्रेज है, इसको क्या रोकना, कहते भैया आप साइन करके जाओ। मैं लिख करके फटाफट वहां से चला गया कि मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गया तो राधा रानी के रावल से पहले एक कुत्ता उधर आया, कहां से आया, चांदनी रात कुत्ता आया, जैसे वो मेरे बगल में आया, मेरे पूरे शरीर की चमड़ी अलग हो गई, पूरे शरीर की चमड़ी ऐसे लगी, जहां जहां रुएं थे ना, जहां जहां केश थे, मेरे बाल थे, सॉरी अलग से लगे, ऐसे लगे ये अलग में अलग, ऐसे रोमांच होना, रोमांच अलग चीज है, या पुलकायमान होना, बिल्कुल अलग से लगे, ये क्या हो गया, मतलब चुक करके निकल के गया। जैसे गया तो मैंने, मेरे को मालूम था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, तुरंत मैंने पीछे मुड़ा, देखा है नहीं, ये क्या हो गया, तुम लोग ऐसे मत कर लेना कहीं, मैं अलग चीज हूं। देखा वहीं में बैठ गया, मैंने कहा जो भी है मिलके जाओ, ना मिला कोई, आया नहीं। फिर मेरे को लगा श्री राधा रानी की कृपा थी, जो कृपा किसी भक्त के माध्यम से निकल के चली गई। तो जो इस प्रकार से शरीर का पुलकायमान होने का मतलब है, ऐसा फील होना कि बहुत हल्का हो गया, लेकिन हुआ नहीं है, मगर बहुत ही ज्यादा हल्का हो गया, जिसको कि उठा के रखा हुआ है, ये पुलकायमान। पुलकेर निचितम बपु, कदा तब नाम ग्रहण भविष्यत, कब ऐसा होगा, यह है भगवान के नाम से नामी के रूप में भगवान जब मिलते हैं आत्मा को, तो शरीर में भी विकार होते हैं, ये दिखने वाले विकार है। आत्मा को क्या हो रहा है ये शरीर बेचारा समर्थ नहीं है बताने में, ये तो शरीर में जो हो रहा है, आत्मा के आनंद का जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वो उसको पता लग रहा है। तो कहते ये मिलन आनंदम अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम को कल श्रवण करेंगे, सर्वात्म स्नपनम को परसों, परसों तो परम गुरु का वह ना सवेरे के समय करेंगे। तो आनंदम अम्बुधि वर्धनम का प्रेममय लक्षण क्या है, बोलो श्लोक। आठों श्लोक याद होने चाहिए, इसमें से एक श्लोक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो ना याद, और कहीं से भी कोई भी श्लोक इस रूप से मैं पूछ सकता हूं कि जय हो पुजारी जी, पूछ सकता हूं कि हाँ ये श्रेय कैरव चंद्रिका का श्लोक बोलो, कभी पूछ सकता हूं, ढूंढना नहीं, दिमाग नहीं लगाना। अच्छा विद्यावधु जीवन का बोलो, साथ साथ बोलना पड़ेगा, ए है श्लोक स्मरण का विधान सिस्टम, कि भगवान ने स्वयं साक्षात श्री हरि ने
अपने आनंदातिरेक जो प्रेम का जो स्वरूप है, जो शब्द वाणी से बाहर का है, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं, उनको भगवान ने शब्द दे दिए भाई साहब, समझे नहीं, उनको शब्द दे दिए, मनुष्य के पास ना थे शब्द। सप्त सिद्धियों को कोई व्याख्यान कर जाता, कि विद्यावधु जीवन को कोई व्याख्या कर जाता, ऐसा कोई मनुष्य ना था। ये तो राधा रानी ने कृपा कर दी, बता दी भाई ऐसे वैसे बोल दियो, नेक बोल दियो तो कृष्ण बोल पाए। ये तो राधा रानी के भावों में से कुछ भावों का छाया महाप्रभु ने हम तक पहुंचाई है, समझे नहीं। तो इसलिए इनको कंठ में ऐसे धारण करना होगा, जैसे ही चेतो दर्पण मार्जनम शब्द आए, नाम नाम करी हृदय में प्रकट हो, जैसे ही भव महादावाग्नि तृणादपि सुनीचेन, श्री कैरव चंद्र का आते ही ना धनम ना जनम, आई नंद तनु जैसे बोला जाए, वर विद्या वधु जीवन नैनम गलद श्रुधारे आनंदम मम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपुदम पूर्णामृत स्वादनम को हम कल और परसों, बहुत दिन हुए इसको नहीं किया, आज करेंगे। तम निर्व्यजम भज गुण निधि पावनम पावनानाम श्रद्धा रज्जन मतिरति तरामुत्तम श्लोक मौलिम प्रयोद्यन अंत करण कुहरे हंतयन नाम भानुर अभासो अपि क्षपयति महापातक ध्वंतराशिम। प्रथम याम कीर्तन निशांत लीला भजन। परम पावन कृष्ण तार चरण निष्कपट श्रद्धा सहकर भजन, यार नाम सूर्यभा संतरे प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि, एई शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम, याते भजन क्रमे लीला रे उद्गम। प्रथमे प्रथम श्लोक भजो किछु दिन, द्वितीय श्लोके ते तवे हो तो प्रवीण, चारि श्लोके क्रमश भजन पक्व करो, पंचम श्लोके ते सिद्ध देह भर, ए श्लोके सिद्ध देहे राधा पद आश्रय, आरंभ करमिया करे में उन्नति उदय, छह श्लोक भजिते अनर्थ दूर गेलो, तभी जानो सिद्ध दे अधिकार हेला, अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे, विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति रे अभावे, सावधानी क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ, साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ, सिद्ध देह पे क्रमे भ्रजन करीले, अष्टकाल सेवा सुख अनायास से मिले, शिक्षाष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन, क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन, सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम दान, चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे अदर्शन, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, सर्वात्म सनपनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। संकीर्तन हैते पाप संसार नाशान, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन,
कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज कृष्ण के कान्हा जय प्रेमानिदान
ठाकुर जी की लीला हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी की लीला यहां पर एक ही समय में हुई है, ये लीला पहले कभी नहीं हुई, जो पार किए भाव की लीला है। और ये गोलोक में भी नहीं होती, जितने गोलोक वृंदावन धाम में भी इसका भाव मात्र है, वहां इसका कोई अस्तित्व नहीं। ये ऐसे ही है जैसे सूर्य के पास रहने वाला कभी अंधकार नहीं देख सकता, गोलोक में रहने वाला कभी ऐसे भावों को अनुभव नहीं कर सकता। मानो सूर्य ही चंद्र को किरणें दे करके पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा हो, ऐसे ही चंद्र मानो तो आयन घोष को मान सकते और उसके द्वारा आभास प्राप्त करके, कौन सा आभास, केवल मात्र पार किया आभास है, राधा कृष्ण अलग नहीं है, आभास प्राप्त करके छुपना, दिखना कम, ना दिखना, मिलना, ये सब भावों को प्रकाशित किया गया, क्योंकि इनमें वह प्रेम प्रकट होता है जो प्रेम स्वयं स्वरूप से भी नहीं होता। इसलिए रात्रंते त्रस्तरित वृंदे हृत बहुवीर वैर बोधितो कीरिशारे पद्दे हृदय अहृदय अपि सुख शयनाद उत्थितो तो सखी भी दृष्टो हृष्टो तदाप उदित रति ललितो कक्कटी शशंको राधा कृष्ण सतृष्णा वपि निज निज धाम नप्तल को स्मरामि। Hey,
लीला स्मरिया लीला प्रेम दाना हरे कृष्ण नामा लीला स्मरया कृष्ण नामा लीला स्मरोया गौ कृष्ण नामा कृष्ण लीला प्रेम कृष्णा लीला प्रेम दाना हरे कृष्ण जय हो राधा गोकुलानंद देवकी जय जय हो कृष्ण बल देवकी जय।